इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा विगत 4 दिन पूर्व आयोजित लेखपाल एवं पटवारियों की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा कार्रवाई तुरंत अमल में लाई गई और जांच के बाद 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आयोग के अति गोपन अनुभाग में नियुक्त अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने चंद पैसे के लालच में कार्यालय से प्रश्न पत्र लीक किया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रश्न पत्र को राज्यपाल व संजीव को उपलब्ध कराया। वही बात करें तो पूर्व में UK SSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेपर लीक करने वाले माफियाओं के विरुद्ध जारी नोट टॉलरेंस की नीति भी अपनाई गई थी और दिशा निर्देश देते हुए त्वरित कार्रवाई करने की बात कही गई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में आरोपियों के साथ क्या किया जाएगा। संवाददाता मनोज कुमार की खास रिपोर्ट। पूर्व में UK SSC में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय DGP महोदय द्वारा भी STF को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए, अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है उस पर कार्यवाही की जाए। तो उसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर STF की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो UK PSC के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहां से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है।